यूट्यूब चैनल तैयारी विग्नर्स की। आज है 28 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज में सेवी को डिस्कस करेंगे, स्टेट में हम गुजरात को डिस्कस कर लेंगे, स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं, ठीक है, अगर कभी आपने रामायण पढ़ी हो, या अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, आपके घर में बड़े लोग होते हैं वो लोग पढ़ते हैं रामायण, तो वो एक बात कहते हैं कभी कभी कि जो इच्छा करियो मनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। ये चौपाई है रामायण के अंदर, ठीक है। तो उनका कहना ये होता है कि अगर मन में आपने इच्छा कर ली तो राम जी की कृपा से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। आपकी लाइफ में जो इम्पॉसिबल होता है ना, वो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा अगर आप पूरे मन से ईमानदारी से ठान लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ में पहली न्यूज़ जो रहेगी इकोनॉमी से रहेगी। तो फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। 25 फरवरी को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बीमा से संबंधित किन घटकों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से सरकार के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। तो बीमा मध्यस्थ, अब इसमें कौन कौन से घटक रहेंगे, दलाल, पुनर्बीमा दलाल, सलाहकार, कॉरपोरेट एजेंट, तृतीय प्रशासक और सर्वेक्षणकर्ता एंड घाटा मूल्यांकन करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल 4.0 विनिंग द 20th शीर्षक वाले प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय खुदरा बाजार का अनुमान है कि किस वर्ष तक 1,00,000 करोड़ डॉलर पार कर दिया जाएगा। तो अनुमान उनका ये कह रहा है कि 2025 तक $1,00,000 को पार कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी को सेबी ने निवेशकों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सीधे किन कंपनियों से खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति दी है। तो उत्तर इसका हो जाएगा म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ राष्ट्रीय टेक्निक या तकनीकी कपड़ा अभियान को मंजूरी दी है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा अभियान को मंजूरी दी है, जिसे 2021 तक, मतलब कि 2020 से 2021 तक एंड 2023 से 24 तक लागू किया जाएगा। तो 1480 करोड़ रुपए की इन्होंने मंजूरी दे दी है। क्यों दी है? राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा अभियान के लिए। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा अभियान के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय की मंजूरी दी है, तो 1480 करोड़ रुपए की, और कब से कब तक ये रहेगा, तो 2020 से 2024 तक ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासक के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम, यह किस भारतीय संस्थान और ब्रिटेन के ब्रिटिश काउंसिल की एक संयुक्त पहल है। तो यह UGC की एक संयुक्त पहल है। ओके, ब्रिटिश काउंसिल और UGC की ये संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के हाइड्रोलॉजिकल पहलुओं पर केंद्रित जल परिषद 2020 कहाँ आयोजित की गई है। तो ये IIT रुड़की में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इस संस्थान ने किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए किस अनुसंधान निकाय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ICICI फाउंडेशन ने ICAR के साथ हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज रहेगी, बस 2020 के लिए भारतीय वाणिज्य मंडल एवं उद्योग महासंघ के नवनियुक्त सह अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं GSK वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 14 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है, तो वो है सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, जिसने 7 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। अब खेलो इंडिया की बात हो रही, तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। खेलो इंडिया जो हुआ है 4th नंबर का, वो हुआ है असम में। अगर यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया पूछे जाएंगे तो वो अभी ही ऑर्गेनाइज हुए थे ओडिशा में। ओके, और जो शीतकालीन खेलो इंडिया है वो कहाँ होते हैं, तो किन शहरों में 25 फरवरी को पहले या प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो कितने क्वेश्चन बन गए खेलो इंडिया से, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ओडिशा में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय, मतलब कि यूनिवर्सिटी के जो गेम रहे थे खेलो इंडिया, तो 14 पदक जीतने के साथ साथ कौन सा जो विश्वविद्यालय है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो मतलब टॉप पे रही है, तो वो रही है पुणे यूनिवर्सिटी, जो सावित्रीबाई पुणे यूनिवर्सिटी, जिसने 7 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं।
हैं। और खेलो इंडिया जो हुआ था असम की गुवाहाटी में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए फिल्म फेयर अवार्ड्स कहाँ हुए थे, तो वो भी गुवाहाटी के अंदर हुए थे। तो ये आपके क्वेश्चन हैं कुछ जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। आलिया भट्ट को इसमें बेस्ट अभिनेत्री का प्राइज़ मिला हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय के तहत बसंतोत्सव सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन किस शहर में 25 फरवरी को किया गया था? तो ये किया गया था गांधीनगर गुजरात में। तो गुजरात के बारे में अभी पूरे जो भी एडिशनल फैक्ट होंगे सारे डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है, ओके, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने किस निकाय को बंद करने की घोषणा कर दी है? तो महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल को बंद करने की घोषणा कर दी गई है महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री हैं वर्षा गायकवाड़ ने। ठीक है, अब वर्षा गायकवाड़ की बात हो रही है तो इसके साथ साथ भाई महाराष्ट्र के सीएम की बात करना भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के सीएम हैं, इन्होंने अभी एक चीज़ और की है, जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, ये इसकी अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है कि जो भी छात्र हैं विद्यालय में प्रेयर के समय इसे ज़रूर बोलेंगे। ओके, तो अनिवार्य कर दिया है प्रियम्बल को बोलना। ओके, एंड महाराष्ट्र की कैपिटल तो आप सभी को पता है मुंबई महाराष्ट्र होती है, मुंबई होती है। ठीक है, मुंबई और महाराष्ट्र के बीच में एक बस चलाई गई है, ई बस है, जो चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक चल सकती है, 43 सीटें हैं उसमें, तो आपको याद रखना है। ओके, नवेगांव तड़ोबा नेशनल पार्क जो है वो आपको महाराष्ट्र के अंदर मिल जाएगा। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई उससे सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 28 दिसंबर 1953 को। मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो नई दिल्ली में है। संस्थापक अगर पूछे जाएंगे तो अबुल कलाम आज़ाद हैं, और ये हैं कौन अबुल कलाम आज़ाद, तुरंत आपके माइंड में ब्लिक करना चाहिए। प्रथम शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आज़ाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो 24 फरवरी को की गई 1952 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की की स्थापना आप सभी को पता होगी किसने की है, जी डी बिरला ने, महात्मा गांधी ने इन्हें सजेस्ट किया था, तो जी डी बिरला और ठक्कर दास जी ने की थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना जो हुई है 1927 में हुई है, और दिलीप चिनॉय जी हैं इसके महानिदेशक अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज जो भी इसकी फुल फॉर्म होती है अभी हम आपको पूरी बताएंगे, अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रही है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, और वैधानिक स्थिति होती है 30 जनवरी, मतलब कि जब वैधानिक रूप से जो संज्ञान में आ गई थी तो वो आई थी 30 जनवरी 1992 को, मुख्यालय है मुंबई में, तो ये आपको याद रखना। अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की स्थापना हुई थी 1995 में, तो ये भी आपको याद रखना। DPIIT का पुनर्गठन बस 2000 में किया गया, इस विभाग के विलय के साथ किया गया था, औद्योगिक विकास विभाग में इसका विलय कर दिया गया था। ओके, तो अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, भूल गए होंगे तो हमें बता देता है, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो आप वॉच कर लेंगे और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर लेंगे। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी और वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ओके, और नोट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए, हम इसीलिए पढ़े कहते हैं। देखियो, अगर आप कितना भी वीडियोज़ देख लीजिए, आप वीडियोज़ देखेंगे आपके माइंड से सारा इरेज हो जाएगा, ये प्रैक्टिकली बात होती है और ये सत्य भी है। ठीक है, तो अगर आप जो भी सुन रहे हैं, कोई भी वीडियो आप देखिएगा, आप सुन रहे हैं उसे नोट कर लेंगे तो आपको 100 times से ज़्यादा याद हो जाएगा। ओके, और रिवीजन भी होता जाएगा, तो इसलिए आपको PDF ज्वाइन कर लेना जिससे नोट्स बनाते रहें। एंड आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, आप टिकटॉक हेलो ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीमोशन वेबसाइट शेयर चैट ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्टली रिक्वेस्टेड यू स्टूडेंट्स, आपको खबरी ऐप पर हमें फॉलो भी करना है और ऑडियो रिविज़न वहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से करना है, जिससे क्या होगा वीडियो आप यहाँ देखेंगे वहाँ से प्रॉपर तरीके से 5 से 6 मिनट का वीडियो वो ऑडियो होता है वहाँ पर, तो वो सुनेंगे तो क्या होगा आपका काफ़ी बेनिफिट होगा, वेरी यूज़फुल ऑडियो रहेगा आपका, रिवीजन करते रहेंगे आप तो
तो वहाँ से आपको वो फॉलो भी कर लेना है और ऑडियो का रिवीजन पर डे करते रहिएगा, ठीक है, खबरी ऐप पर। और अगर आपको कहीं भी आपको हमारा चैनल सब मतलब सर्च करना है तो तैयारी बिगनर्स की के नाम से ही वहाँ से आपको चैनल हमारा प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बातें बहुत हो गई तो अब बात कर लेते हैं जो भी न्यूज़ेस हैं उनके बारे में। तो युद्ध अभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एयरवेस स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद से आपको तुरंत माइंड में ब्लिंक करना चाहिए कि गाजियाबाद जो एयर क्वालिटी है दुनिया में सबसे ख़राब जो एयर क्वालिटी है वो गाजियाबाद की है, ठीक है। और भारत हमारे एयर क्वालिटी में जो तो वो भारत हमारा 5वें नंबर पे, फर्स्ट जो कंट्री है वो है बांग्लादेश, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एयरवेस स्टेशन हिंडन एयरवेस में संयुक्त रूप से इंदिरा युद्ध अभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण जो है प्रारंभ हो गया है। यह 24 जनवरी 2020 को भारतीय वायुसेना, भारत और रॉयल एयरफोर्स के और यूके के बीच आयोजित किया जाएगा। युद्ध अभ्यास में संस्करण में बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोडक्शन पर जोर दिया गया है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंद्रधनुष किन किन देशों के मध्य किया जाता है, तो भारत और यूके के मध्य ये सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। अब इस संस्करण, ये कौन सा संस्करण है, एडिशन है 5वां, तो ये याद रखनी है आपको। और इस संस्करण का जो मतलब कि किस बात पर इस संस्करण में जोर दिया गया, तो बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक जावेद अशरफ को फ्रांस में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में क्या किया गया कि जावेद अशरफ जी हैं उनको फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुभवी राजनयिक जावेद अशरफ 1991 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अशरफ वर्तमान में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली नेम याद रखिए जावेद अशरफ को, और कहाँ का इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया, एम्बेसडर फ्रांस का। फ्रांस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फ्रांस की कैपिटल आप सभी को पता है पेरिस में होती है, मतलब कि फ्रांस में होती है, ओके, पेरिस में होती है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जो GST होती है वहाँ पर 1984 में वहाँ पर सबसे पहले आ गई थी GST, तो ये आपको याद रखना है। फ्रांस में यूनेस्को का भी जो पेरिस है वहाँ पर यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और फ्रांस की कैपिटल तो पेरिस है, वहाँ की करेंसी अगर पूछ ली जाए तो वो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम समझौते की धारा 6 पर रिपोर्ट कर दी गई है। बीके शर्मा समिति ने असम समझौते की धारा 6 के कार्यान्वयन होती हेतु औपचारिक रूप से 25 फरवरी 2020 को असम के मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। असम का संधि खंड असम के निवासियों की सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कानूनी, संवैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों जो भी उपयुक्त हो उससे संबंधित है। अब बात हो रही है असम समझौते की, ठीक है, असम एकॉर्ड की बात हो रही है। तो सबसे पहले असम एकॉर्ड हुआ कब था, तो यह हुआ था 1995 में, ओके। तो 90 एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेगा तो असम एकॉर्ड से बन जाएगा, कब हुआ था, 1995 में। अब इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं बीके शर्मा जी, और बीके शर्मा और असम के जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी मुख्यमंत्री हैं, वो हैं सर्वानंद सोनोवाल जी। इनके बीच में एक समझौता हुआ, वहाँ की जो बोडो है, वोडोलैंड है ना, वोडोलैंड, वो हमेशा ये मांग करते रहते हैं कि हमें एक विशेष दर्जा मिल जाए, हमारे लिए राज्य अलग कर दीजिए, हमारे लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बना दीजिए, हमारे लिए इलेक्शन की पॉलिसी बना दीजिए, हमारे लिए एजुकेशन पॉलिसी अलग से बना दीजिए। वो ये भी चाहते हैं कि हमें अलग से एक स्टेट बना दीजिए, जो बोडोलैंड है, ठीक है। बोडो वहाँ की एक ट्राइब है, जनजाति है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब इसी के चलते जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ बोडोलैंड के साथ एक समझौता भी हुआ था इसी के साथ तहत। तो अब इसमें क्या हुआ है कि जो धारा 6 है असम समझौते की, जो असम एकॉर्ड की धारा 6 है, उसमें क्या हुआ है कि उसके कार्यान्वयन हेतु औपचारिक रूप से 25 फरवरी 2020 को असम के मुख्यमंत्री ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, ठीक है। असम की कैपिटल आप सभी को पता होगी दिसपुर होती है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5वां सबसे प्रदूषित देश IQ ईयर रिपोर्ट। ये तो हमने कल ऑनलाइन में सारे फॉर्म कर दिए हैं, फिर भी आज हम डिटेल लेकर आ गए। IQ ईयर रिपोर्ट एक कंपनी को मुख्य रूप से वायु प्रदूषण की स्थिति पर काम करती है,
तो 2.5 पार्टिकुलेट प्रदूषण के आंकड़ों के एक वैश्विक संकलन के अनुसार 2019 में भारत दुनिया का पांचवा प्रदूषित देश था, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गाजियाबाद दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान मिला है, ठीक है। पीएम 2.5 के लिए बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, मंगोलिया तीसरे नंबर पर, अफगानिस्तान चौथे नंबर पर, जबकि भारत पीएम 2.5 के लिए प्रदूषण देशों में पांचवें स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको प्लेस याद रखनी है, फर्स्ट प्लेस पर बांग्लादेश है और हम फिफ्थ प्लेस पर हमारा भारत है। मंगोलिया उलान बटोर इसकी कैपिटल होती है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल होती है, पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद होती है। तो ये आपको याद रखनी है। बांग्लादेश की कैपिटल आप सभी को पता ही होती है, ढाका होती है, वहाँ की टका करेंसी होती है, रुपया पाकिस्तान में भी चलता है, अफगानिस्तान में अफगान अफगानी करके एक उनकी करेंसी चलती है, ठीक है। CERCA सरका ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कि IIT दिल्ली में प्रदर्शनी का आयोजन किया है। 25 फरवरी 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में उत्कृष्टता के लिए स्वच्छ वायु में आयोजित स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में IIT बॉम्बे, IIT रोपेड, IIT आईशेम धनबाद और IIT दिल्ली द्वारा विकसित स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया था। तो CERCA ने भारतीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में प्रदर्शनी का आयोजन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिवसीय बसंतोत्सव गांधीनगर में शुरू होता है। बसंतोत्सव कहाँ मनाया गया है ये आपको याद रखना है, कहाँ मना गया, तो ये मनाया गया गांधीनगर में। बसंतोत्सव नामक 8 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन 26 फरवरी 2020 को गांधीनगर के संस्कृति कुंज में किया गया था। सांस्कृतिक उत्सव बसंतोत्सव का विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ रखा गया था। केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ को गुजरात के साथ शामिल किया गया है, ओके। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। स्पेशल नॉलेज में हम बात करेंगे सेवी की, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। भारत में प्रतिभूति और वित्त एक का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को में हुई थी। सेवी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। सेवी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिषद में के व्यावसायिक जिले में है, ठीक है। तो और अगर नई दिल्ली, कोलकाता और इसके जो मतलब क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, सॉरी अहमदाबाद में है, पूर्वी दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ओके। एंड अगर स्थापना, अगर ना आप रिवाइज भी कर सकते हैं, स्थापना कब हुई, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और अधिकार क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो गवर्नमेंट इंडिया के पास इसका अधिकार क्षेत्र है और मुख्यालय मुंबई में है। कर्मचारी 525 से 9 2009 में। संस्था कार्यपालक जो हैं वो हैं अजय त्यागी जी, इन्हें अध्यक्ष भी कह सकते हैं। और सेवी की फुल फॉर्म अगर पूछ लिया, ये हिंदी में तो कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और विनिमय बोर्ड। और सेवी की बात करेंगे तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे स्टेट की, तो स्टेट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात को। बहुत दिनों से गुजरात को डिस्कस नहीं किया, तो गुजरात की कैपिटल तो आप सभी को पता है गांधीनगर होती है। गांधीनगर से तुरंत आप पहुंच जाइए हमारे गृहमंत्री जी पे। तो गृहमंत्री जी कौन है, श्री अमित शाह जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र भी गांधीनगर है, ओके। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो कानपुर को बता देंगे, लेदर सिटी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। और गिफ्ट सिटी के नाम से गांधीनगर को जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। घनत्व अगर पूछा जाएगा तो वो है 308 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। जिले गुजरात में 33 है। राजभाषा जो है गुजराती है। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 182 हैं, राज्यसभा 11 सीटें हैं और लोकसभा की सीटें जो हैं 26 हैं। राजकीय पशु गिर सिंह है। गिर सिंह को भारतीय शेर कहते हैं।
हंसावर जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है राजकीय पक्षी है, राज्य जो अब गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1960 में ही अहमदाबाद में, और गुजरात के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पूछे जा सकते हैं तो वो हैं विक्रम नाथ जी। ओके, गुजरात को गुजराती में ऐसे लिखते हैं तो ये आप देख लेना, आप हाँ गूगल करेंगे तो ऐसे आपको लिख के आ जाएगा। ओके, और ये पश्चिम भारत का एक राज्य है। अगर जब आप मैप देखेंगे इस तरह से हम जाएंगे ऊपर, ये रफली मैप है, ओके, तो यहाँ पर आ जाता है गुजरात। ठीक है, तो अब जो गुजरात है इसका अर्थ कभी आपने सोचा है क्या होता है? तो गुर्जर प्लस त्रा, पहले ये था गुर्जर गुजरात्र, तो फिर जब अपभ्रंश हो गया तो ये बन गया गुजरात। ओके, नेक्स्ट, अब इसकी जो सीमा है वो किस किस से मिलती है? उत्तरी पश्चिमी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो पाकिस्तान से लगी हुई है। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है, महाराष्ट्र इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अरब सागर इसकी दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाता है, इसकी दक्षिणी सीमा जो है दादर एवं नागर हवेली से मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है गुजरात की सीमा रेखा कहलाती है। नृत्य वहाँ पर गरबा और रास नृत्य जो होते हैं वो वहाँ पर मुख्य नृत्य होते हैं। प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति, डांगी दरबार, राघव राय मेला, जन्माष्टमी, ये सब जो हैं वो गुजरात के मुख्य त्यौहार हैं। प्रमुख उत्पादन है मूंगफली और कपास। प्रमुख उद्योग अगर पूछे जाते हैं तो वो होते हैं सूती वस्त्र। ठीक है, मुख्य बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो कांडला बंदरगाह जो है मुख्य बंदरगाह है और इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम कर दिया गया है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। आपको कर्क रेखा की बात आ रही तो आपको ये भी याद रखना है भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र जो था लोथल वो भी गुजरात में है। ठीक है, अब गुजरात के नेशनल पार्क्स ने हम देख लिए, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंता नेशनल पार्क, जंगली गधा अभयारण्य और मैरीन कक्ष की खाड़ी नेशनल पार्क जो है वो भी आप में। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है जो एशियाटिक लॉयन है कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयन के लिए संरक्षण किया जाता है। ओके, अब बात करें स्टैटिक क्वेश्चन की, तो भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1895 में भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली आप बता देंगे। भारत में किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया कब जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया गया है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में 1 जनवरी को, मुख्यालय है कोलोन स्विट्जरलैंड में। विश्व नशा विरोधी मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में 10 नवंबर को हुई थी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओके, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना कब हुई थी? अब IUCN से आपको याद आया 2018 में इसको कौन सा प्राइज मिला हुआ था, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, याद अब रख लीजिए, जब NTPC लिखेंगे ना तो NTPC या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें बहुत पुराना पुराना पूछ लेते हैं। ठीक है, IUCN को पीस प्राइज मिला हुआ था। 1948 में इसकी 5 अक्टूबर को स्थापना हुई थी और मुख्यालय ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। ओके, अब बात करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो यस मैडम सर, होपफुली ये क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सर्च करते हैं तब लेकर आते हैं। ठीक है, और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। यस मैडम सर नामक डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है? तो वो किरण बेदी जी हैं जो प्रथम महिला IPS है इंडिया की, तो उनके नाम पर ये आधारित है। ठीक है, भारत में 19 नवंबर को किसका जन्मदिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत रत्न सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत रत्न सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा जी ने किस वर्ग में नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है, आप सभी को पता भी होगा। तो शांति के क्षेत्र में इन्होंने, मदर टेरेसा जी ने नोबेल पुरस्कार जीत लिया था। किस नदी को अधिकतर प्राचीन गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। ओके, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों फूलों और फलों को उगाने को क्या कहते हैं? उद्यान कृषि कहते हैं। अब उद्यान कृषि से तो आएगा नहीं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में आएगा हॉर्टिकल्चर।
आपको हिंदी में भी ऐसे याद कर लेना है। हॉर्टिकल्चर क्या होती है, जो व्यापारिक उपयोग होता है उसके लिए अगर हम सब्जी फूल फल उगाते हैं तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेट चोटी किसका भाग है? तो हिमाद्री जो है उसमें कामेट चोटी होती है। ठीक है, सूरज से आरोही क्रम में ग्रहों की दूरी का सही क्रम होता है तो बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश किसे भेजा था? तो उनकी पुत्री थी संघमित्रा, उसे इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश में भेज दिया था। विदेश क्या? श्रीलंका भेजा हुआ था। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस स्पेशल नॉलेज के साथ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा होप। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा जो जो आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारे टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें डेली मोशन वेबसाइट शेयर चैट और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको करना ही है सब्सक्राइब मतलब फॉलो और रिवीजन करना है वहाँ पर, तो खबरी ऐप पर भी आपको करना है। ओके, तो खबरी ऐप पर आपको वहाँ जाकर तैयारी विगनर्स की सर्च कीजिए और वहाँ से ऑडियो सुनिए जिससे आपकी करंट अफेयर का प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता जाए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे जो भी पीडीएफ हैं क्लासेस की वो आपको मिल जाएँ और आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। ओके, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप मेंशन भी कर सकते हैं। तो फिर आप सभी क्या कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।